अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? मलाइका सजाद। मलाइका क्या करती हैं? नाइन्थ क्लास में स्टडी कर। क्या बात है मलाइका, यही बातें अगर आप कैमरे की तरफ देख के करें तो बहुत बेहतर होगा। नाइन्थ क्लास में स्टडीज करती हैं, साइंस रखा हुआ आर्ट्स रखी? साइंस रखी हुई है। डॉक्टर बनना चाहती हैं? नो। फिर मैं CSS करना चाहती हूँ। CSS करना चाहती हैं। अभी आई हैं शॉपिंग के लिए आई हैं? जी, घूमने फिरने आई हैं। शॉपिंग, घूमने फिरने, दोनों के लिए आई हैं। लाइफ के गोल्स क्या हैं? क्या अच्छा क्या करना चाहती हैं ज़िंदगी में? मैं चाहती हूँ कि मैं ज़िंदगी में ऐसा मुकाम हासिल करूँ कि मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो, सारी दुनिया को पता चले कि लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे आपने एकदम सोचा? कौन सा ऐसा पॉइंट था जहाँ पर आपको फ़ील हुआ कि लड़कियों को डिग्रेड किया जाता है? क्योंकि बहुत से ऐसे मौके हैं, जैसे मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता क्योंकि मेरे घर में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह को देखती हूँ, उनके साथ यही होता है कि उनके घर वालों ने इजाज़त नहीं देते आने की। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं कहती हूँ कि लड़कियों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी इजाज़त देनी चाहिए। क्या करने की? यानी कि वो जो जितना पढ़ना चाहती हैं उतना। अच्छा, मैंने कहा शायद घर आने की इजाज़त नहीं मिली। नहीं, ऐसी नहीं। आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं घर में? मेरे घर में जो मेरे भाइयों को दी जाती हैं वही मुझे दी जाती हैं। बहुत अच्छी बात है, यानी क्वालिटी पे। जी चले, मेरा सवाल है आपसे, वो क्या है जो इंसान ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनता है? वो अपनी मतलब कि अगर बुराइयाँ ज़्यादा सुनता है इसीलिए क्योंकि जो उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना वो नमक की तरह होते हैं, क्योंकि नमक की तरह, सॉल्ट जी, सॉल्ट की तरह। ओके, ऑलराइट। हमेशा बुराई ही करते हैं, कभी उनकी तारीफ नहीं करते, लेकिन जो उनके फेक फ्रेंड्स होते हैं वो उनकी हमेशा वो चीनी की तरह होते हैं क्योंकि उन्हें कीड़े भी लग जाते हैं और वो हमेशा मिठाई वाली मतलब कि ऐसी ही बातें करते हैं उनके साथ, लेकिन इसीलिए कि जो आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो कभी आपके सामने तारीफ नहीं करते। फिर आज आपने बड़ा लेसन मुझे सिखाया है। मेरी दो बेस्ट फ्रेंड हैं फरी और शहरवानो, मैं हमेशा सोचती हूँ मुझे इतनी तनकीद करती हैं, वो इतनी तनकीद करती हैं, इट मीन्स कि वो नमक है। Yes. आज से मैं उनका नाम नमक रख दूंगी। मैं कहूँगी आज एक बच्ची ने मुझे सिखाया है तो मैं उनका नाम नमक रख दूंगी, और कुछ मेरे फेक फ्रेंड्स हैं उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, उनके नाम के आगे मैं चीनी लगा दूंगी। जी चले, आप मुझे बताएं कि कोई पैगाम देना चाहती हैं, कोई अच्छा मैसेज देना चाहती हैं? मैं क्या मैसेज दे सकती हूँ? कोई मैसेज, कोई अपनी बेस्ट फ्रेंड को मैसेज देना चाहती हूँ? अपनी बेस्ट फ्रेंड को मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में जो हासिल करना करो और अपने घर वालों से बिल्कुल भी मत डरो, क्योंकि घर वालों ने बाद में आकर यही कहना कि तुमने नहीं पढ़ा, बाकी सारा इल्ज़ाम तुम पे आएगा, तुम्हारे घर वालों पे नहीं, इसलिए जितना पढ़ना उतना पढ़ो। बेटा अभी जो आपकी बेस्ट फ्रेंड के घर वाले हैं ना, उन्होंने आपसे मिलने नहीं देना उसे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये जो बचपन के दिन होते हैं ना, स्कूल के डेज, ये बड़े मज़े के होते हैं। आप बड़े हो रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते हैं, एक तो पीक पे होते हैं इमोशंस भी, और स्पेशली जो ये टाइम होता है ना, ये बड़ा फ्रेंडशिप का अच्छा टाइम होता है। यहाँ पे आपके डिसाइड हो जाते हैं कि कौन से आपके लॉयल फ्रेंड्स हैं, कौन से आपके जो हैं वो फेक फ्रेंड्स हैं। वैसे तो ज़्यादातर जो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे और लॉयल फ्रेंड्स होते हैं।